अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ख़ीमा तलने की रेसिपी लाई हूँ। ख़ीमा तलने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम ख़ीमा लिया है। इसे धोकर इसमें हमने आधा गिलास पानी डाला है। 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल लीजिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से डालिए टेस्ट के हिसाब से, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए। अगर आप तेज़ी कम खाते हो तो नमक लाल मिर्ची को थोड़ा कम कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुकर का लिड बंद कर देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट पका लेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। खीमा गलने के बाद हम इसे पैन में डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसे पैन में डाल लिया है, और इसे तेज़ आंच पर पकने दें। पानी सूखने तक हमें इसे तेज़ आंच पर ही पकने देना है। देखिए पानी तकरीबन सूख गया है, अब हम इसमें 1/2 नींबू डाल लेंगे, नींबू का रस डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, देखिए हमने ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें कटी हुई कोथमीर पुदीना डाल लेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे हम मीडियम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। खीमा लाइट ब्राउन होने तक हमें ऐसे ही बीच बीच में हिलाते रहना है। तला हुआ खीमा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, अब आप इसे सर्व कर लें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।